मूवी की शुरुआत में एक स्कूल गर्ल लिन को दिखाते हैं। उसके डैड की इनकम ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो लिन को एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं। और इस स्कूल में एडमिशन मिलने के लिए वो वहाँ के हेडमिस्ट्रेस को बता रहे होते हैं कि लिन एक ब्राइट स्टूडेंट है और प्रीवियस स्कूल में उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। ये कहकर उनको सभी डिटेल्स बता रहे होते हैं। तब हेडमिस्ट्रेस उनसे कहती है कि आपकी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लिन से पूछती है, क्या तुम इस स्कूल में स्टडी करने के लिए एक्साइटेड हो और क्या तुम इस स्कूल में पढ़ना चाहती हो? इस पर लिन जवाब देती है नहीं। तब हेडमिस्ट्रेस पूछती है, क्यों नहीं पढ़ना है? क्या ये स्कूल तुमको खराब लगता है? अब लिन जवाब देती है, नहीं वो बात नहीं है, मेरे डैड की इनकम बहुत कम है और वो बहुत मेहनत करके कमाते हैं। अगर मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी तो लगभग साल में 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तब हेडमिस्ट्रेस कहती है, नहीं नहीं 1.5 लाख नहीं, स्कूल की फीस करीबन 1,20,000 है। तब लिन उसके सामने लंच एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस जैसे साल में होने वाले एक्सपेंसेस की एक लंबी कैलकुलेशन बता देती है और वो भी कोई बिना पेपर पेन यूज किए हुए। अब ये सुनकर हेडमिस्ट्रेस सरप्राइज होकर उसे कहती है, तुम सच में एक ब्राइट स्टूडेंट हो और हम तुमको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं और तुमसे कोई फीस भी नहीं लेंगे, इसीलिए अब तुम बिना कोई टेंशन के यहाँ पढ़ सकती हो। और ऐसे करके उस स्कूल में लिन को एडमिशन मिल जाता है। उसे स्कूल में एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम ग्रेस है, लेकिन ग्रेस पढ़ाई में कमजोर होती है और एक दिन उसे एग्जाम के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। फिर लिन उसे उन क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करके समझाती है। फिर एग्जाम के दिन पता चलता है कि असल में एक टीचर ने अपने प्राइवेट ट्यूशन में उन क्वेश्चन को लिख किया होता है और ग्रेस भी उसे ट्यूशन में जाया करती थी, लेकिन लिन की उन क्वेश्चंस को कई बार एक्सप्लेन करने के बावजूद भी ग्रेस के दिमाग में कुछ नहीं जाता और उसे कुछ समझ नहीं आता। अब एग्जाम के चलते समय वो कुछ नहीं लिख पाती, उसे देखकर लिन उसे हेल्प करना चाहती है। अब एग्जाम में ABCD ऑप्शन आते हैं और सिर्फ एक ऑप्शन मार्क करना होता है, इसीलिए लिन तुरंत सभी आंसर्स को मार्क कर देती है और उन आंसर्स को एक रेजर पर लिख देती है। फिर उस रेजर को अपने शू में डालकर उसे ग्रेस के पैर की तरफ फेंक देती है। अब ग्रेस भी उस रेजर में देखकर आंसर को मार्क कर लेती है, लेकिन अब क्योंकि लिन के पास उसका शू नहीं है इसलिए ग्रेस अपने एक शू को उसकी तरफ पास करती है, लेकिन वो शू वॉकिंग स्पेस में जाकर रुकता है और फिर टीचर के देखने से पहले लिन उठकर उस शू को पहनकर आंसर शीट को सबमिट करती है और बाहर आ जाती है। फिर क्लास के बाहर आकर ग्रेस उसको थैंक कहती है और ग्रेस का लवर पैट भी आकर उसको थैंक कहता है और पैट उसे एक पेमेंट भी देता है। इनिशियली वो पेमेंट लेने से इंकार करती है, लेकिन फिर उसे एक सच पता चलता है, इस स्कूल में उसको स्कॉलरशिप तो मिली है लेकिन उसके डैड फीस दे रहे होते हैं और इस बात की खबर लिन को नहीं होती है। ये बात पता चलते ही लिन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके डैड की इनकम बहुत ही लो है और वो सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएंगे। इस तरह सोचकर वो पैट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और पेमेंट ले लेती है। फिर एक दिन पैट उसे कहता है कि मेरे 5 फ्रेंड्स हैं और एग्जाम में उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए और वे सब एक सब्जेक्ट के लिए 3,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं और उस साल में 12 सब्जेक्ट होते हैं और सोचिए अगर एक सब्जेक्ट के लिए उसे 3,000 रुपए मिलते हैं तो 7 स्टूडेंट को हेल्प करने से उसे कुल मिलाकर 1,00,000 रुपए मिलेंगे और इस तरह उसके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते ही जाते हैं। अब इन 7 स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए वो एक नई टेक्निक का यूज करती है और उसका नाम है पियानो टेक्निक। अब पियानो क्लास के नाम पर वो उन स्टूडेंट्स को उनके घर में बुलाती है और उन्हें अपनी उंगलियों के मूवमेंट से ABCD से कौन सा सही ऑप्शन है ये समझाने के लिए पियानो यूज करती है और इस प्लान के मुताबिक एग्जाम के दिन उन सभी को लिन के फिंगर के मूवमेंट्स को यूज करके सही आंसर को मार्क करना होगा। अब एग्जाम भी पास आ जाता है तब उसी स्कूल को बैंक नाम का एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है और वो भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम एग्जाम में मुझे अपनी आंसर शीट दिखाओ, मैं तुमको एक सब्जेक्ट के लिए 3,000 रुपए दूंगा, लेकिन इसके लिए बैंक मना करके चला जाता है। अब इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी लिन को पैसे दिए होते हैं लेकिन उसको फिंगर मूवमेंट का फंडा समझ नहीं आता और इसीलिए वो बैंक से हेल्प मांगता है। अब बैंक के मना करने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि लिन के फिंगर मूवमेंट से उसको आंसर पहचानने होंगे और ये सब बैंक को पता चलता है। अब एग्जाम के समय टीचर कहती है कि इस साल क्वेश्चन 2 सेट्स में आएंगे, तुम्हें से किसी को सेट ए का क्वेश्चन मिलेगा और किसी को सेट बी क्वेश्चन मिल सकते हैं और इससे सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल चौंक जाते हैं। असल में लिन को सेट बी क्वेश्चन मिलता है और वो इशारे से कहती है कि अब वो सेट बी के आंसर्स को बताने वाली है और स्टूडेंट्स भी सेट बी के आंसर्स को लिन के फिंगर मूवमेंट्स को देखकर मार्क कर लेते हैं और उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स एक साथ आंसर शीट को सबमिट कर लेते हैं। अब टीचर के सामने कई स्टूडेंट होते हैं तो लिन तुरंत उसके बगल में बैठे हुए स्टूडेंट का क्वेश्चन शीट ले लेती है क्योंकि उसे सेट ए के क्वेश्चन मिले होते हैं और वो अपनी आंसर शीट उसको देती है। अब वो सेट ए क्वेश्चन के सही आंसर को वर्कआउट करके फटाफट मार्क कर देती है और एग्जाम का टाइम समाप्त होने से पहले वो सभी को आंसर्स बता देती है और स्टूडेंट्स भी उसको नोट कर लेते हैं। तब बगल वाला स्टूडेंट उसे पूछता है कि तुम्हारी आंसर शीट पर तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है, क्या मैं अपना नाम उस पर लिख दूं? तब लिन कहती है, नहीं नहीं उसे ब्लैंक ही रहने दो। और एग्जाम भी समाप्त होता है और टीचर उनसे आंसर शीट कलेक्ट करते हैं। फिर एग्जाम हॉल के बाहर बैठी हुई लिन से वो टीचर आकर कहता है कि तुमने अपना नाम नहीं डाला और आंसर शीट को सबमिट कर दिया, इसमें अपना नाम लिख कर दो। और उसी समय हेडमिस्ट्रेस लिन को बुलाती है। अब लिन घबराकर हेडमिस्ट्रेस के पास जाती है, तब वहां उसके बगल वाला स्टूडेंट भी रहता है। अब हेडमिस्ट्रेस लिन से पूछती है कि क्या तुमने इसकी आंसर्स कॉपी किए हैं, और लिन भी कहती है नहीं। फिर उस स्टूडेंट को पूछने पर भी वो नहीं कहता है। तब बैंक कहता है कि नहीं मैडम, असल में इसने आंसर्स दिखाने के लिए मुझसे हेल्प मांगी थी लेकिन मैंने मना कर दिया और इसलिए उसने लिन की आंसर्स को कॉपी किया है। और फिर हेडमिस्ट्रेस दोनों के क्वेश्चन और आंसर शीट चेक करती है।
तब वो देखती है कि दोनों को अलग अलग क्वेश्चन सेट्स मिले हैं और वो टीचर हेडमिस्ट्रेस से कहती है कि क्वेश्चन अलग अलग है और एक कॉपी कैसे कर सकते हैं। बैंक लगता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है और फिर ये देखकर हेडमिस्ट्रेस उन दोनों को वापस भेज देती है। लेकिन फिर हेडमिस्ट्रेस जब लिन के वर्कआउट शीट चेक करती है तब देखती है कि उसने सेट ए के आंसर को भी वर्कआउट किया है और वो फिर से लिन को बुलाकर कहती है कि तुम्हें तो सेट बी के क्वेश्चन मिले थे, तुमने सेट ए के आंसर को क्यों सॉल्व किया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। और ऐसा कहती बैंक कहता है कि उसने पैसों के लिए सब किया है। फिर पियानो क्लास और उससे कमाए हुए पैसे के बारे में पता चलते ही हेडमिस्ट्रेस लिन के डैड को बुलाकर कंप्लेंट करती है और उन्हें भी बहुत भला बुरा कहती है। इतना ही नहीं बल्कि अब वो लिन की स्कॉलरशिप को भी कैंसिल कर देती है और कहती है कि अब सिर्फ बैंक को ही उस स्कॉलरशिप एग्जाम देने के लिए इस स्कूल की तरफ से भेजने वाले हैं और तुमने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। इन सब बातों से उदास होकर लिन रोकर अपने घर जाती है और घर में उसके डैड उसको खूब डांटते हैं और उसके कमाए हुए सारे पैसों को लौटाने को कहते हैं और उसने जो कपड़े खरीद कर दिए थे उसको निकाल कर फेंक देते हैं। फिर दिखाते हैं कि लिन से कॉपी करने वाले स्टूडेंट को कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उन्हें वो स्टूडेंट जवाब दे रहे होते हैं। इसका मतलब कोई बड़े एग्जाम में कॉपी करके ये सब फंस गए हैं। और अब कहानी कंटिन्यू होती है। यहाँ ग्रेस पैट के पेरेंट्स से मिलने आई होती है और वहाँ सभी मिलकर डिनर करते हैं। तब पैट के पेरेंट्स ग्रेस से कहते हैं कि हम पैट को फॉरेन कंट्री के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में स्टडी के लिए भेज रहे हैं और वहाँ उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। पैट तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा है और अच्छे स्कोर्स भी लाता है, इसलिए तुम भी उसके साथ उस कॉलेज में जाकर पढ़ोगी तो अच्छा ही होगा और तुम्हारी सारे एक्सपेंसेस को हम स्पॉन्सर करेंगे। तुम बस इसके साथ रहकर उस एंट्रेंस एग्जाम में इसे पास करवा दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे और आगे चलकर हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। फिर ग्रेस जाकर लिन से उस एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए उससे हेल्प मांगती है और उस बड़े एंट्रेंस एग्जाम में चीट करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता, इसलिए लिन पहले उसे मना कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद वो मान जाती है क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा तरीका सोचा होता है और वो यह है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स एक ही टाइम पर लिखेंगे। लेकिन वर्ल्ड की सभी कंट्रीज अलग अलग टाइम जोन्स में हैं और टाइम जोन के हिसाब से देखा जाए तो इस एग्जाम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सेंटर में सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा और इनके थाईलैंड सेंटर में स्टार्ट होने के 4 घंटे पहले ही सिडनी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो लिन उनसे कहती है कि मैं सिडनी में जाकर एग्जाम दूंगी और वहां से उन आंसर्स को मेमोराइज करके फोन में टाइप करके आप लोगों को भेज दूंगी। लेकिन उन आंसर्स को वो स्टूडेंट मेमोराइज नहीं कर सकते, इसलिए वो उसके लिए एक और आइडिया बनाती है और वो एक पेंसिल के बारकोड के जरिए आंसर्स को बताने का प्लान बनाती है। यानी कि पेंसिल में जो बारकोड होता है उसमें से सेट ए ऑप्शन के लिए सबसे थिक लाइन होगी, बी की लाइन ए से कम और सी की लाइन और भी कम थिकनेस की और डी की सबसे स्लिम लाइन होगी। वे कहती है कि इस तरह के बारकोड लगाए हुए पेंसिल्स को रेडी करने पर तुम लोग उस एग्जाम में इजीली सही आंसर्स मार्क कर पाओगे। फिर वो कहती है कि इसके लिए तुम जितने हो सके उतने क्लाइंट्स को ऐड करते जाओ, इससे मिलने वाले टोटल पेमेंट में से तुम दोनों को भी शेयर मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि सारे आंसर को पहले मार्क करके फिर उनको मगअप करके मोबाइल में टाइप करके भेजना होगा और इन सब के लिए वो एग्जाम टाइम काफी नहीं होगा, इसीलिए इन आंसर्स को मगअप करने के लिए मुझे एक और जीनियस की जरूरत है और ये सिर्फ बैंक ही कर सकता है। मैं एग्जाम के आधे आंसर्स को मेमोराइज कर लूंगी और बैंक बाकी के आधे आंसर्स को मगअप करके तुम्हें भेज देगा और पैसे का कुछ हिस्सा हम उसको भी दे देंगे। लेकिन इसके लिए अगर बैंक राजी होता है तो ही प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है, वरना इस प्लान को कैंसिल करना होगा, इस तरह वो कैजुअली बोल देती है। अगले दिन बैंक के स्कॉलरशिप एग्जाम का डेट आता है और तब एक ग्रुप आकर उसको खूब मारता है और एक गार्बेज एरिया में डंप कर देता है और इस वजह से वो स्कॉलरशिप एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी को खो देता है। असल में बैंक की मां लॉन्ड्री का काम करके बड़ी मेहनत से बैंक को पढ़ा रही होती है और बैंक उसकी मां के लिए ही अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके वो चांसेस मिस हो जाते हैं और ये सोचकर वो बड़ा ही उदास रहता है। उस समय लिन बैंक से मिलने आती है और कहती है, सॉरी तुम उस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दे पाए, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, अभी तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो और फिर एक प्राइवेट कॉलेज में जाकर स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। और वो भी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहां जाने पर लिन उसे A to Z सभी चीजें बता देती है। तब बैंक अपने शेयर के बारे में पूछता है और लिन उसको कहती है कि तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। फिर वो लिन से पूछता है कि तुम्हारा शेयर कितना है, लिन कहती है कि मेरा शेयर 20 लाख है और ये सुनते ही बैंक चौंक जाता है। अब वो प्रैक्टिकली हर चीज को प्लान करना शुरू करते हैं, यानी कि कैसे बात करनी है, कैसे एग्जाम लिखना है और इस तरह की बातें पहले से प्लान करके प्रिपेयर रखते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उन्हें क्या जवाब देना होगा और कैसे एक्टिंग करनी है, ये सब बातें वो रिहर्सल करते हैं। अब वे कई बार पकड़े जाने पर क्या करना है इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, अगर लिन पकड़ी जाती है तो उसको क्या जवाब देना होगा ये भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर लिन पैट से पूछती है कि अगर बैंक पकड़ा गया तो तुम क्या जवाब दोगे, तब पैट एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं असल में मेरी और उसकी नहीं बनती, इसलिए वो झूठ कह रहा है और इस तरह बैंक के बारे में गलत बातें बोल देता है। तब उसी फ्लो में वो कह देता है कि बैंक को किसी ने मारकर गार्बेज में फेंक दिया था। अब ये सुनकर बैंक गुस्से में आकर पैट से लड़ाई करने आता है
क्योंकि असल में गुंडों को भेजकर बैंक को मारने का काम पैट ने किया था और ये बात बैंक ने पहचान ली क्योंकि बैंक ने सबको बताया होता है कि किसी ने उसको मारा था और इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन उसने गार्बेज वाली बात किसी को नहीं बताई थी कि उसको गार्बेज में फेंक दिया था और ये सब समझते ही बैंक बहुत गुस्सा हो जाता है। तब लिन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बैंक उस पर विश्वास नहीं करता और वो वहां से चला जाता है। फिर वो खुद ही लिन से मिलने आता है और कहता है जो हो गया सो हो गया, मुझे अब पैसे चाहिए लेकिन हमें ये चीटिंग करनी होगी। फिर वे दोनों अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिटी में जाते हैं। अब उस एग्जाम में चार सेक्शन होते हैं और पहले सेक्शन को 45 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उस 45 मिनट में सारे सही आंसर्स को मार्क करके उन्हें दोनों मगअप कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो 10 मिनट का ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में दोनों बाथरूम में जाते हैं और उनके फोन्स को उन्होंने एक प्लास्टिक कवर में रैप करके बाथरूम का फ्लश टैंक में डाला होता है। अब बाथरूम में जाते ही उस फोन को निकाल कर लिन सारे आंसर्स को टाइप करके भेज देती है, लेकिन बैंक आंसर्स नहीं भेजता बल्कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता है कि मुझे एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें और फिर ही मैं तुम्हें आंसर भेजूंगा। और ऐसी सिचुएशन में जब वो ऐसी धमकी देता है तो सारे स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं और इतना ही नहीं वो तुरंत उन्हें पैसे भेजने को कहता है। और तब एक स्टूडेंट मैसेज करती है कि मेरे पास अभी सिर्फ 4 लाख रुपए हैं और वो पैसे मैं तुम्हें भेजती हूँ, तुम प्लीज आंसर भेज दो। फिर वो पैसे मिलने पर आंसर को टाइप करके भेज देता है और यहाँ ये दोनों पेंसिल को रेडी करने से लेकर उन पर आंसर्स के लेबल बनाकर स्टिक करना और उन पेंसिल को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये सब काम को फटाफट निपटाते हैं। और इतना ही नहीं उन स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल तक पहुंचाने के लिए बाइक ड्राइवर्स को भी रख लेते हैं। अब इस तरह से यहाँ सभी स्टूडेंट्स पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। अब सिडनी में ये दोनों सेक्शन 1 के आंसर को भेजकर वापस आकर नेक्स्ट सेक्शन के एग्जाम को लिखते हैं। फिर उस एग्जाम के ब्रेक में फिर से बाथरूम में जाकर आंसर्स को टाइप करके भेजते हैं, लेकिन इस समय बैंक फंस जाता है। वो बहुत देर तक बाथरूम में होता है जिसे सुपरवाइजर हायर स्टाफ को कंप्लेंट कर देता है और उस एग्जाम का काउंसलर वहां आता है। फिर वो डोर नॉक करते हुए उसे कहता है कि तुम अब डोर ओपन नहीं करोगे तो मैं डोर तोड़ दूंगा और अंदर आ जाऊंगा। और ऐसे घबरा देने वाले सिचुएशन पर भी वो सारे आंसर्स को भेज देता है और फटाफट सारे मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। फिर फ्लश टैंक के लिड को ओपन करते ही वो नीचे गिरकर टूट जाता है और इसका एक पीस बाहर जाकर उस काउंसलर के पास गिरता है और इससे उन्हें शक होने लगता है। अब वो फोन को टॉयलेट में डालकर फ्लश करने की कोशिश करता है लेकिन वो ठीक तरह से फ्लश नहीं होता। अब तक काउंसलर दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और बैंक को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। यहाँ लिन भी सभी आंसर को भेज देती है लेकिन उस फोन को वापस रखने का समय नहीं होता क्योंकि इसके बाथरूम के बाहर भी एक सुपरवाइजर उसको बाहर आने के लिए कह रही होती है, इसलिए वो झट से फोन को अपने शू के अंदर रखकर बाहर आ जाती है। अब वो सोचती है कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले चेकिंग होगी तो अगर चेकिंग हो गई तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो ड्रिंकिंग वाटर के मशीन के एक गैप में उस फोन को छिपा देती है और पानी पीकर वहाँ एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाती है। वाह क्या दिमाग है। अब इस एग्जाम के आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 4 के आंसर लिखने होते हैं। अब बैंक के पकड़े जाने से लिन को भी घबराहट होती है और वो इस सेक्शन के दौरान बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती और वो ज्यादातर आंसर्स को मेमोराइज नहीं कर पाती। तब उसे वो पियानो क्लास याद आती है और वो आंसर्स को एक सॉन्ग की तरह बनाकर मेमोराइज कर लेती है। फिर वो अपने पेंसिल को मुंह में डालकर आंसर शीट पर जानबूझकर वोमिट करती है और कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है मुझे यहाँ से जाना है, और ऐसा कहते हुए वो हॉल से बाहर निकलती है। और उसी समय लिन के डैड उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या तुम फिर से कोई चीटिंग कर रहे हो, इस तरह कई सवाल करने लगते हैं और तब उनके फोन पर आंसर्स के मैसेज आने लगते हैं। अब लिन के डैड उस फोन को लेकर मैसेज को ना पढ़े इसलिए वो दोनों एक झूठ बोल देते हैं। वे कहते हैं कि लिन और बैंक दोनों लवर्स हैं और एक ट्रिप प्लान करके ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और यह सुनकर लिन के डैड शॉक हो जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ लिन जैसे तैसे अपने फोन को लेकर भाग जाती है और तब सामने काउंसलर को देखती है। तब वो एक रूम में छिप जाती है और फिर भागकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल जाती है और चलते समय वो फोन में आंसर्स को टाइप कर ही रही है। फिर रेलवे स्टेशन में आकर वो आंसर्स को टाइप कर रही होती है और इस तरह वो सभी आंसर्स को टाइप करके भेज देती है और फिर सामने देखती है तो वहाँ एग्जिट की बोर्ड लगी होती है। अब पीछे से उसे काउंसलर भी फॉलो करते हुए आ रहा होता है। तब फिर से वो एक कमाल का प्लान बनाती है, वो पास में होने वाले एक फूड मशीन में से कुछ क्वाइंस डालकर खाने के आइटम्स निकालती है और एक साथ मुंह में ठूस लेती है और मोबाइल को उसके बगल में बैठी एक लेडी के बैग में डाल देती है। फिर काउंसलर उसके पास आता है तो वो सामने वोमिट कर देती है और वो उसको कहती है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं वहां से तेजी से भाग गई थी क्योंकि मुझे फटाफट घर जाना है। तो अब उसके भागने का रीजन भी वैलिड है और उसके पास मोबाइल भी नहीं है, इसका मतलब अब उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता। लेकिन अपने आंसर शीट में वोमिट करने से वो उस एग्जाम में पास नहीं हो सकती क्योंकि उसकी आंसर शीट खराब हो गई है। फिर यहाँ ये दोनों उन पेंसिल्स को रेडी करते हैं और आंसर्स के लेबल को बनाकर उसमें फटाफट स्टिक कर देते हैं। फिर वे स्टूडेंट्स अपने अपने ड्राइवर्स के साथ उस एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स उस एग्जाम को कंप्लीट कर देते हैं। फिर लिन अकेली एयरपोर्ट में आकर उतरती है और वो उनसे अपने आंसर शीट के खराब
खराब होने के बारे में बताती है और बैंक के फंस जाने के बारे में बताती है और वो कहती है कि बैंक ने पूरा ब्लेम खुद पर ही लिया है और उसने हम में से किसी का भी नाम नहीं लिया है, इसलिए तुम सेफ हो। लेकिन बैंक को अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और वो इस एंट्रेंस एग्जाम को फ्यूचर में कभी भी नहीं दे पाएगा। और ये कहकर वो बड़ी सैड हो जाती है। तब उसके सामने उसके डैड आकर खड़े हो जाते हैं और उसको घूरते हुए पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, और लिन को कुछ समझ नहीं आता कि उनसे क्या कहना है। तब डैड पूछते हैं कि तुम और बैंक प्यार करते हो, इस बात को तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया और तुम दोनों ऑस्ट्रेलिया तक चले गए। ठीक है चलो, अब तुम बैंक को साथ लेकर चलो, हम डिनर करके आगे बात को डिस्कस करेंगे। तब इतने अच्छे डैड से मैंने झूठ क्यों बोला, ये सोचकर उनको हक करती है और जोर से रो पड़ती है। अब वो उनको सब कुछ बता देती है और यहाँ इसकी हेल्प से एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को 1460 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि सबने सेम आंसर्स लिखे होते हैं। अब लिन सभी बातों को अपने डैड को बताकर अपने शेयर के पैसों को भी लेने से इनकार कर देती है। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि एटलीस्ट तुम अपने पैसे तो ले लो क्योंकि बैंक ने भी अपने शेयर के $2 मिलियन ले लिए हैं। इस पर लिन साफ मना कर देती है और कहती है मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। फिर उनकी चीटिंग करने वाली बातें उनकी स्कूल तक पहुंच जाती है और लिन और बैंक को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। और फिर लिन एक स्कूल टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो एक मीडियम सैलरी वाली जॉब होती है, उतने पैसे काफी है सोचकर वो टीचिंग की जॉब करती है। फिर एक दिन बैंक लिन को उससे आकर मिलने के लिए मैसेज करता है और वो भी वहां जाती है तो देखती है कि अपनी माँ के लॉन्ड्री के काम को आसान करने के लिए बैंक ने कई वॉशिंग मशीन खरीद कर रखी होती है। और बैंक आकर उससे कहता है कि हमने सिर्फ एक एग्जाम ही दिया है और इस तरह GAT और PAT नाम के एग्जाम भी होते हैं और इन एग्जाम को ढेर सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं और अगर इन स्टूडेंट्स को हम हेल्प करते हैं तो हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। यानी अब बैंक जो एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था वो अब 100% बिगड़ गया है। लेकिन लिन उससे कहती है कि मैं अब तक बहुत गलतियां कर चुकी हूँ और आगे उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहती, अब मैं ये नहीं कर सकती और तुम मुझे छोड़ दो। अब ये कहने पर बैंक उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझको चीट करने में हेल्प नहीं करोगी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ मिलकर उस एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की थी। और लिन उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो। फिर बैंक उसे फिर से ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं उन सभी बच्चों के नाम बता दूंगा जिनको तुमने चीटिंग करके पास कराया है और इस तरह उनकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। इस तरह बैंक एक विलन के टोन में बातें करता है और इस पर भी लिन उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो और ये कहकर वो चली जाती है। लेकिन लिन इस ब्लैकमेलिंग को सुनकर बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। अब दोस्तों इस सीन को याद रखिए क्योंकि इस सीन के बाद आने वाले इस मूवी की क्लाइमेक्स को अब मैं बताने वाला हूँ और उसके बाद इस मूवी का क्लाइमेक्स इस तरह भी हो सकता है, ये सोचकर मैंने अपना एक क्लाइमेक्स बनाया है। और दोनों क्लाइमेक्स में से आपको मेरा क्लाइमेक्स अच्छा लगा या डायरेक्टर का क्लाइमेक्स, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब डायरेक्टर के क्लाइमेक्स को देखते हैं। लिन उसकी ब्लैकमेलिंग को इग्नोर करते हुए उसको कह देती है कि तुम्हें जो चाहे करना है करो और वो घर जाकर अपने डैड से सभी बातों को शेयर करती है और यहाँ बैंक भी सबकी पोल खोल देता है। लेकिन लिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और ये कहकर उसको हिम्मत देते हैं। और फिर आगे चलने वाले सभी इन्वेस्टिगेशन में उसके डैड भी उसके साथ जाकर उसकी हेल्प करते हैं और इस तरह इन्वेस्टिगेशन चलते रहने पर ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अब मैं अपने सोचे हुए क्लाइमेक्स को बताता हूँ। क्लाइमेक्स ये है कि बैंक जब दूसरी बार उसको ब्लैकमेल करता है तब लिन सोचती है कि अब तक तो काफी गलतियां कर चुकी हूं तो आखिरी बार एक और गलती कर देती हूं। फिर वो बैंक के ब्लैकमेल से डरकर उसको हां कर देती है और ये सभी बातें जाकर वो अपने डैड को बता देती है और कहती है कि बैंक मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है डैड, मुझे मेरे फ्रेंड्स को बचाना ही होगा और मेरी लाइफ ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी है लेकिन मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इस बार मैं आपसे झूठ कहकर कुछ नहीं करना चाहती हूँ इसलिए मैं आपको सब कुछ सच बता रही हूँ। अब ये सुनकर उसके डैड कहते हैं ठीक है बेटा, इस बार हम तुम्हारे फ्रेंड्स को बचाने के लिए आखिरी बार इस गलती को करेंगे। अब ये कहकर उसके डैड भी उसके प्लान में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके डैड कई सालों से टीचिंग कर रहे थे और इसलिए उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी है और डैड भी उसके साथ मिलकर टीचिंग का प्लान बनाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा क्लाइमेक्स? इनफैक्ट इस क्लाइमेक्स को यूज करके इस फिल्म का अगला पार्ट भी बनाया जा सकता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा क्लाइमेक्स ज्यादा पसंद आया। बाकी मिलते हैं अगले दिन दूसरी वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।